राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का इस वक्त क्या स्टैंड है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? इस स्टैंड पर बात तो केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताने के लिए अधिकृत हैं, हमें इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि मिड टर्म पोल भी हो जाए, जिस तरह से यूपी के अंदर नाराज चल रही है, लोग भी चाहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की लड़ाई मिड टर्म पोल की ओर जा रही है। हम न सरकार में शामिल होंगे और न हम मिड टर्म पोल के पक्ष में, हम कभी नहीं चाहते कि मिड टर्म पोल हो और जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़े, स्टेट एक्सचेकर पर अनावश्यक आर्थिक लोड हो, ये हम कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रोफेसर साहब, क्या प्रणब मुखर्जी जी का नाम अगर आज तय हो जाता है तो समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछे। लेकिन सर ये बताइए, जो अब्दुल कलाम के नाम पे ममता बनर्जी कल रात में मुलायम सिंह से मिलने के बाद बोली कि वो हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं कि सिर्फ उनके कैंडिडेट? हमारे और मेरे में कोई फर्क नहीं होता है, लोग कई बार हमारे हम शब्द का प्रयोग कर देते हैं अकेले के लिए, सिंगुलर नंबर। ममता बनर्जी ने दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसका क्या मतलब है? ये उनसे पूछेगा, ये हमसे क्यों पूछ रहे?